नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। स्टोरी का नाम है ब्रेक्स इन अ कार। एक बार एक कॉलेज में एक प्रोफेसर साहब अपनी क्लास में आते हैं। सब बच्चे शरारत कर रहे थे। वो प्रोफेसर साहब उन बच्चों से क्वेश्चन करते हैं। उनका सवाल ये था, व्हाई डू यू थिंक देयर आर ब्रेक्स इन अ कार? आप लोगों को क्या लगता है कि कार में ब्रेक्स होते क्यों हैं? सब लोग सोचने लगे। उसके बाद आंसर आए कि कार में ब्रेक्स होते हैं ताकि उसे रोका जा सके, ताकि उसकी स्पीड कम की जा सके, ताकि एक्सीडेंट होने से बचाया जा सके। एक ही डायरेक्शन में सब लोगों के थॉट्स आ रहे थे। प्रोफेसर साहब ने भी सुना और उसके बाद उन्होंने इवेंचुअली आंसर किया, डू यू रियली नो कि कार में ब्रेक्स होते क्यों हैं? कार में ब्रेक्स इसीलिए होते हैं ताकि उसकी स्पीड बढ़ाई जा सके, ताकि उसे और रफ्तार से ले जाया जा सके। क्योंकि अगर हमारी कार में ब्रेक्स नहीं होंगे तो जस्ट इमेजिन क्या सिचुएशन होगी हमारी। हम फर्स्ट गियर से बाहर निकालने में भी मुश्किल करेंगे और शायद उस कार में बैठेंगे ही नहीं। जिस कार के ब्रेक्स फेल होते हैं उसकी क्या स्थिति होती है? हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे स्पाउस, हमारे फ्रेंड्स कई बार उन्हीं ब्रेक्स का काम कर रहे होते हैं और उन्हीं ब्रेक्स के सदके हम अपनी लाइफ की स्पीड को बढ़ा पाते हैं। यही वो ब्रेक्स होते हैं जो हमें डेंजर से बचाते हैं और इन्हीं के सदके हम रफ्तार से आगे बढ़ पाते हैं। इस स्टोरी का कहीं ना कहीं कोरिलेशन उस पतंग वाली कहानी से भी है कि जहां पे एक बच्चा पतंग को उड़ा रहा था और वो अपने पापा को बोलता है कि पापा, इस पतंग को इस डोर ने रोका हुआ है, तो क्या करें, इस डोर को काट दें? वो पतंग थोड़ा सा ऊपर जाएगी लेकिन उसके बाद तो नीचे आना ही है उसे। प्रेजेंट टाइम्स में आप अगर इस स्टोरी को एसोसिएट करके देखें तो आपको रियलाइज होगा कि शायद ये ब्रेक्स इस समय बहुत जरूरी है। मैं बस इन दो लाइंस के साथ इस स्टोरी को एंड करना चाहूंगा। डोंट ड्राइव एज इफ यू ओन द रोड, ड्राइव एज इफ यू ओन द कार। Thank you.